अकबर तारिक शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है, मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वाह क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। पहले जजेस की तस्दीक की गई, फिर कहा गया कि अब ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीकात करवा लें। वजीर आजम को IMF से मुआहदा रवा माह होने की तवक्को। शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान ने IMF के नवे जायजे की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं। कहते हैं कि IMF से किए गए मुआहदे के खिलाफ वर्जी के बायस डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल को पाकिस्तान को महंगाई का जिम्मेदार भी करार दिया। पाकिस्तान का इत्तेहादी मुल्क अमरीका है। अमरीका का कहना है कि हम मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम है, मसाइल का इल्म है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामूलात में मुदाखलत नहीं करते। तर्जुमान वजारत खारजा विद्यांत पटेल का डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी के बारे में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आमद। वजीर खारजा के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और इराक मजहब और रिवायत के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना है कि गवर्नर हाउस में कन्वेंशन सेंटर तामीर किया जा रहा है और IT कोर्सेज का इनका भी किया जा रहा है। हर तारे बिल पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। कहते हैं जदीद तालीम हासिल करना नौजवान का हक है, माजी में घर और रोजगार के झूठे वादे किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नाम से उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची ने बिलावल भुट्टो की आवाज़ पर लबैक कहा, इंशाल्लाह मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा। बोले मनसब मिला तो रवाबित को दोबारा इस्तवार करूंगा, सोसाइटी सिंध हुकूमत और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। कराची हमारा है, मिलकर काम करेंगे। कराची को 10,000 बसों की ज़रूरत, मौजूद सिर्फ 200 हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शहर के बच्चों तालिबात भी स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं। सोहराब गोट से मवेशी मंडी जाने वाला रास्ता गैर महफूज। कुर्बानी की जानवरों की खरीदारी के मौके पर लूट मार जारी है, शहरी कहाँ जाएँ, कोई हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर के शहजादा लाश बरामद। असर हुसैन 2 रोज से लापता थे, मकतूल को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। लाश पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। 4 जून को ताहिर वहाब नामी शख्स लाश AD सरदखाने में रखवा कर गया। इंतजामिया सरदखाने के मुताबिक मस्कूरा शख्स अब कॉल अटेंड नहीं कर रहा, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनंशात के खिलाफ कराची में बड़ी कार्रवाई। नमक की आड़ में समंदरी रास्ते से मनंशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई के दौरान कंटेनर से 26 किलो 500 ग्राम आइस बरामद हुई। बरामद की गई आइस को कंटेनर के फर्श में महारत के साथ बनाए गए खुफिया खानों में छुपाया गया था। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में गटर की सफाई के दौरान 2 कार हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों की लाशों को फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी शनाख्त रोशन और किरण के नाम से की गई। खदशा है कि गटर में जहरीली गैस भरने की वजह से मौत हुई।
قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس وزیر اعظم نے وسائل اور مسائل صوبوں کے سامنے رکھ دیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجٹ میں ترقی، عوامی فلاح اور کاروباری دوست پالیسیاں محور ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو اور روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے۔ بولے، ہم سب کو مل کر پاکستان کے معاشی ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کا خدشہ، سندھ اور بلوچستان کے ساحلی پٹی کو خطرہ۔ ہوا کا کم دباؤ 10 سے 11 جون کو شدت اختیار کر کے سائیکلون بن سکتا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ اور تجزیہ کار کا امکان۔ ہم تو بلیم گیم کے عادی ہیں نا، کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ کہانی نہیں ہے، فلان نہیں ہے، ڈمکان نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ معاشرہ اتنا بانجھ نہیں ہے کہ ایک اچھی کہانی بھی نہ دے سکے، تو لکھنے والے پہ منحصر ہے نا کہ کس طرح رس نچوڑتا ہے، اس میں سے کیا چیز پیدا کرتا ہے۔ طرح آسانیاں ہیں کچھ، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم ڈرامے کو الگ کر کے جنرل جو معاشرے کا ایمبیئنس ہے کس طرح دیکھ سکتے ہیں الگ کر کے۔ اردو کے نامور ادیب، ڈرامہ اور افسانہ نگار، نقاد، مترجم اور صداقت ڈاکٹر انور سجاد کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 4 سال ہو گئے۔ ڈاکٹر انور سجاد ترقی پسند ادیب تھے، جن کے نظریات اور افکار ان کی تحریروں سے جھلکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 1989 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ میرے منوا گاتا جا رے، جانا ہے ہم کا دور، ٹھمک ٹھمک نہیں چل رے بیلوا۔ میرے منوا گاتا جا رے، جانا ہے ہم کا دور، جل مل چمکے سے مکھڑا جیسے چمکے چاند کا ٹکڑا، ہو چاند کا ٹکڑا دیکھ کے تیرا چہرہ چندا چھپ چھپ جاتا ہے، جب جب تیرا بابل تجھ کو گیت سناتا ہے، تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے۔ لاجواب دھنوں کے خالق موسیقار کمال احمد کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ کمال احمد پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور موسیقاروں میں سے ایک تھے، جن کے تیار کردہ دھنوں کو لوگوں میں بہت پسند کیا گیا اور ان کے گانوں سے کئی گلوکاروں نے شہرت حاصل کی۔ This is not our war. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. In the end, اور ہالی ووڈ سائنس فکشن مووی ٹرانسفارمرز رائز آف دی بیٹس کا ٹریلر جاری، فلم 9 جون کو بڑی سکرین کی زینت بنے گی۔ ہیڈ لائنز آپ سے ملاحظہ کی، نیوز ایٹ 5 کے آغاز میں